कोरोना वैक्सीन लगवाएं और अपने प्यारों की जान बचाएं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत इकदाम। सरगोधा में मजीद 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला कर लिया गया है। बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा। डीजी खान में मजीद 2 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा मियांवाली स्पोर्ट्स जिमनेजियम में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से अहम पेशरफ्त है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम। सरगोधा में मजीद 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला। बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा, जबकि डीजी खान में भी मजीद 2 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने का फैसला। मियांवाली स्पोर्ट्स जिमनेजियम में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जबकि कोरोना वैक्सीन से घबराना नहीं है। मुल्तान में कोरोना वैक्सीन का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अली मेहदी ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात बताएंगे बिलाल न्यासी। बिलाल न्यासी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात करें तो कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मुल्तान में मुख्तलिफ सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जहां पर 50 साल से जो ज़ायद के अफराद हैं उनको वैक्सीनेशन का अमल जारी है। उस हवाले से अगर हम बात करें तो वैक्सीन के हवाले से जो हमने देखा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस हवाले से जो प्रोपेगेंडा भी चलता रहा, लेकिन इस हवाले से डॉक्टर्स का यही कहना है कि वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। और हम इस हवाले से बात करने के लिए पहुंचे हैं महकमा सेहत के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर अली मेहदी। हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से मजीद क्या कहते हैं। मैं पब्लिक से ये कहूंगा कि वो वैक्सीनेशन से बिल्कुल मत घबराएं। वैक्सीनेशन का एक बहुत इफेक्टिव रोल है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। और हमने जितनी भी वैक्सीनेशन की है, हम जनरल पब्लिक की तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो वैक्सीनेशन कर चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स भी इसी तरह से मुल्तान में 15-20 हज़ार की हम रजिस्ट्रेशन उनकी कर चुके हैं, वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। अभी तक हमें कोई साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स नहीं हुए उसके वैक्सीनेशन के। तो पब्लिक से मैं कहूंगा कि इसमें बिल्कुल मत घबराएं, आएं हमारे सेंटर्स पे तशरीफ लाएं। 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, सुबह और रात की दोनों शिफ्टों पे काम कर रहे हैं। वैक्सीन अपनी करवाएं और अपनी इम्यूनिटी को डिवेलप करें ताकि हम इस खतरनाक बीमारी से मुकाबला कर सकें। सेकंड आ रहा है कि जो लोग कोरोना का शिकार हैं उनके हवाले से क्या है, वो अपनी वैक्सीनेशन कराएं, क्या वो वैक्सीनेशन कराएं तो उनके लिए फायदेमंद होगी या वो मुकम्मल ठीक होने के बाद अपनी वैक्सीनेशन कराएं। जी देखें, इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का। अगर किसी को कोरोना हो गया है तो वो अपनी जब इंक्यूबेशन पीरियड पूरा कर लेता है तो वो अपनी वैक्सीनेशन करवाए, उसकी इम्यूनिटी ही बॉडी में डेवलप होगी, उसका कोई उसको नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से डॉक्टर अली मेहदी का यही कहना है कि जो शहरी हैं वो वैक्सीनेशन के हवाले से अपनी वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि अगर इनका ये कहना है कि अभी 1 लाख से ज्यादा अफराद जो है वैक्सीन करा चुके हैं, मुल्तान में भी हजारों अफराद वैक्सीन करा चुके हैं, अभी किसी किस्म के शहरी वैक्सीन जरूर कराएं। शुक्रिया बिलाल न्यासी हमें अपडेट करने का। रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी तादाद में बुजुर्ग अफराद वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। 70 साल अब्दुल जब्बार भी वैक्सीनेशन की दूसरी दवा लगवाने के लिए अपनी बारी के मुंतजर हैं। बुजुर्ग शहरी का कहना है कि तमाम मामर अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाने सेंटर्स पर पहुंचना चाहिए। इसके ऊपर मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही शहीर तारिक से। शहीरा तारिक, ये बताइएगा कि इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के केसेस में आए रोज इजाफा हो रहा है और अब 1 साल के बाद तकरीबन वैक्सीनेशन का अमल जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। मुल्तान में भी जो सेंटर बनाए गए हैं कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से, वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में बुजुर्ग अफराद जो हैं वो आ रहे हैं। कहीं पर बुजुर्ग अफराद जो हैं वो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं और कुछ जो हैं वो इस वक्त मुंतजर बैठे हुए हैं कि कब उनको वैक्सीनेशन लगेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश भी है। एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ, बताएंगे जी वैक्सीन लगवा ली आप? 7 तारीख को लगाए थे, फिर 28 तारीख को लगाने थे। कल रास्ता मेरी तबीयत खराब होने लगी, मैं चला गया। फिर आज उन्होंने बुलाया था, आज इंशाल्लाह लग जाएगा। इंतजाम कैसे हैं? इंतजाम अच्छा है? वैक्सीन सही, वैक्सीनेशन लगवाने के बाद सही महसूस हो रहा है? वैक्सीनेशन के बाद मुझे तबीयत ठीक रही है। यहाँ पर जो है वो बेटे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएंगे जी, अपने वालिद साहब को लेकर आए हैं आप वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, तो इनको राजी आसानी से हो गए थे वैक्सीन लगवाने के लिए या कोई डर वगैरह था? नहीं नहीं, कोई डर नहीं था, इन्होंने खुद ही कहा है मुझे लगवाएं, तो वो पहले लगवा गए थे, अब दूसरी आज इंशाल्लाह ताला लग। माशाल्लाह सही है, सब ठीक है। जी, जैसे कि आपने
इन बुजुर्ग की बात सुनी है कि अपने बेटे के हमराह ये यहाँ पर आए हुए हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, पहली डोज लगवा चुके हैं और अब दूसरी जो वैक्सीनेशन है वो आज इनकी होगी, जिसके इंतजार में यहाँ पर बैठे हुए हैं। लाइन्स में जो है बुजुर्ग अफराद खड़े हुए हैं, उनके समाजी फासले का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है ताकि यहाँ जी बुजुर्ग शहरी वहाँ पर मौजूद हैं वैक्सीनेशन के लिए। बहुत शुक्रिया सुहैरा तारिक, आपने तफसीलात से आगाह किया। दूसरी तरफ मुल्तान में कोरोना वैक्सीन लगाने का ये सिलसिला जारी है। वैक्सीन के हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। शहरियों को ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और जो इसमें मनफी प्रकंडा किया जा रहा है कि इसमें साइड इफेक्ट्स हैं, ये है वो सब गलत है। जिन लोगों ने वैक्सीन इस्तेमाल की है अल्हम्दुलिल्लाह उन पर कोई ऐसे मनफी असरात मुरतब नहीं हुए। आवाम को जो है वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, ये उनके मफाद में है। अब बाज़ लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये जानलेवा है या इसके नुकसान है, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत हमारे साथ है, हम लोगों को चाहिए जो हमारे खास तौर पे हमारे जो एजड अफराद है उनको चाहिए, क्योंकि उनमें कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, तो उनको चाहिए को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि इस बीमारी पर कंट्रोल पाया जा सके। वैक्सीन लगवानी चाहिए, हमने अपने वालदैन की भी लगवाई है ताकि कोरोना से बचा जा सके। और शहरियों का रद्द अमल आपने जाना, अब रुख करेंगे डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान में वज़ीर आला उस्मान खान बोस्तार की हिदायत पर मजीद 2 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जाएंगे, जिसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद 4 हो जाएगी। मजीद जानते हैं आशिर इश्फाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर 2 इनिशियली तौर के ऊपर कायम किए गए थे, एक तौसा शरीफ में जबकि एक डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में। अब बाकायदा तौर के ऊपर शहरियों की जानब से वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन का अमल भी काफ़ी तेज़ी से जारी है और इसके हवाले से इंतजामिया की जानब से भी मजीद वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने के लिए जो इकदाम हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। डेरा गाजी खान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की खसूसी हिदायत के ऊपर मजीद 2 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कायम किए जाएंगे और इसके हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर जो महकमा सेहत है इसकी इनकी जनब से जगह का तायुन किया जा रहा है और एक वैक्सीनेशन सेंटर कोटछुट्टा तहसील जो है उसमें कायम किया जाएगा, जबकि दूसरा वैक्सीनेशन सेंटर डेरा गाजी खान में कायम किया जाएगा। जबकि डेरा गाजी खान में एक वैक्सीनेशन सेंटर ऑलरेडी काम कर रहा है, जबकि डेरा गाजी खान में दूसरा वैक्सीनेशन सेंटर बहुत जल्द कायम किया जाएगा, जिसके हवाले से तमाम तर तैयारियां महकमा सेहत की जनब से शुरू कर दी गई हैं। जो फोकल पर्सन है डॉक्टर कमरान साहब, इनकी जनब से बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की खसूसी हिदायत के ऊपर कोरोना की वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर 2 मजीद सेंटर जी वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आशिर इश्फाक, आपने तफसीलात से आगाह किया। दूसरी तरफ सरगोधा में भी मजीद वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला कर लिया गया है। सरगोधा इंतजामिया ने मजीद 3 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स की जगह का तयन कर लिया। इसी सरगोधा और CEO हेल्थ ने नए वैक्सीनेशन मुकाम का दौरा किया, वैक्सीनेशन सेंटर में मुमकिन आने वाले लोगों की गुंजाइश का तयन किया। इसी हवाले से हमें अपडेट्स देंगे मोहसिन उल मुल्क। जी, कोरोना के साथ जंग लड़नी है तो ना सिर्फ SOPs पर अमल दरामद करना है बल्कि पूरी कौम को यकजा होकर वैक्सीन की तरफ आना है और वैक्सीन लगाने के लिए इस वक्त ना सिर्फ महकमा हेल्थ बल्कि इंतजामिया भी बड़े सोचो विचार कर रही है। जिस तरीके से एज लिमिट्स मजीद रिलैक्सेशन दी जा रही है, 40 साल तक की एज लिमिट तक के लोगों को वैक्सीनेशन लगानी है, इसके लिए जगह भी बड़ी चाहिए। ऑलरेडी सरगोधा में इस वक्त एक सेंटर वैक्सीनेशन का चल रहा है, लेकिन एक मैस वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से आज एक जगह का तयन किया है। हमारे साथ AC सरगोधा उमर दराज गोंदल साहब हैं। गोंदल साहब, बताइएगा क्या तफसील जी इसमें। चूंकि पहले हमारा एक सेंटर था और वो पहले बड़ा अच्छी वर्किंग चल रही थी, लेकिन चूंकि एज रिलैक्सेशन कम हुई है तो उस लिहाज से मजीद भी जो है सेंटर्स गवर्नमेंट के डायरेक्शंस है तो वो इंक्रीज किए जाएं। तो इसमें महकमा हेल्थ और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर वर्कआउट कर रही है और हम मजीद जो है वो 3 और बढ़ा रहे हैं। 4 सेंटर हम करेंगे और 4 डिफरेंट जो एरियाज हैं उसको वो कैटर करेंगे और इससे ना सिर्फ ये है कि लोगों को थोड़ा टाइम का इशू आएगा कि कम टाइम में उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, साथ साथ जो कोविड SOPs हैं उसकी भी इंप्लीमेंटेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है जी, हमारे साथ CEO हेल्थ मौजूद हैं। CEO साहब, पहले भी चल रहा है तो वहां पे रश को देख के यहां पर देखेंगे कितने यहां पर हमला आता है ना?
जी बेसिकली एनसीओसी की ये डायरेक्शंस हैं कल से के एक मैस मेजर और सीवीसी सेंटर बनाएं। तो मैस वैक्सीनेशन सेंटर ऐसा है जिसमें 7000 लोगों को हमने डेली कैटर करना है, तो उसके लिए ये जगह हमने सेलेक्ट की है। इस तरह हमने दो और भी मेजर वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं जिन पे 2000 पर डे कैपेसिटी होगी तो वो हम कैटर करेंगे। तो इंशाल्लाह वैक्सीनेशन हमने 4 टाइम लेके जानी है। ठीक है जी, बिल्कुल वैक्सीनेशन सिर्फ लगानी नहीं बल्कि उसको लगाने का क्या प्रोसेस होगा? वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। शुक्रिया मोहसिन मुल्क हमें अपडेट करने का। बात करेंगे मियांवाली की। मियांवाली में शहरों की आसानी के लिए मजीद वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जा रहे हैं। डीसी उमर शेर चिट्ठा और डीपीओ मुस्तनसर फिरोज ने मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया है। तफसीला जानेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वैक्सीन प्रोसेस के हवाले से मियांवाली में शहरियों को मजीद आसानियां फराहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान साहब जो हैं डिप्टी कमिश्नर उमर साहब के साथ मियांवाली के मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे हैं और एक जगह चूज की जाएगी जहां पे एक सेंटर बनाया जाएगा, लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर मुस्तनसर फिरोज अमान साहब भी आपके साथ हैं, आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, कोई जगह मुंतखब हुई? क्योंकि वो जगह बहुत छोटी है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आते हैं। सर जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिस तरह वैक्सीन का दायराकार बढ़ा रही है उसको देखते हुए हम मजीद वैक्सीनेशन सेंटर की साइट सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए जो स्पोर्ट्स का जिमनेजियम है मियांवाली का वो हमारे 500 से 1000 लोगों को डेली वैक्सीन लगाने के लिए काफ़ी है। तो हमने मल्टीपल साइट्स विजिट किए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में एक तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और एक तहसील ईसा खेल में कालाबाग THQ के साथ हम एडिशनल वैक्सीनेशन सेंटर्स ऐड करने की तजवीज़ गवर्नमेंट को आज सबमिट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारी वैक्सीन लगाने की सलाहियत में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। जी बिल्कुल, सलाहियत में इजाफा होगा। अख्तर मजाज, आपका बहुत शुक्रिया।